हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे संचिता बुक से पार्ट नंबर 9, अनन्या की डायरी। अनन्या कौन है? एक लड़की है, उसकी डायरी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अनन्या की डायरी में क्या कितनी सारी बातें अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है 15 जुलाई। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। विद्यालय पता आपको? स्कूल। आज स्कूल में कुछ हलचल हो रही थी। हलचल होना शोरगुल, बच्चे मतलब कैसे आवाज़ होता है अलग सा से बोलते हलचल। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। विद्यालय में स्कूल में क्या हो रहा था? हलचल चालू था। लेकिन अनन्या क्या कर रही थी? अपना स्कूल के जो होमवर्क थे कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई। आस्था कौन है? अनन्या की दोस्त है, सहेली है। वह अनन्या के पास कौन है? आस्था। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफिन का ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। क्या है यहाँ पे? 15 जुलाई के दिन विद्यालय में क्या हो रहा था? कुछ हलचल चल रहा था। और अनन्या क्या कर रही थी? चुपचाप अपना स्कूल का होमवर्क है कक्षा कार्य कर रही थी। इतने में तभी आस्था अनन्या के पास आई और बोली, अपने खाने के टिफिन का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा आया है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा, फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है? अनन्या को क्या लगा कि कोई खाना भी चुरा कर खाता है क्या? वो मन में सोचने लगी आस्था के बोलने के बाद। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। ते में आधी छुट्टी हो गई थी और आस्था ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चलो आधी छुट्टी हो गई, हम खाना खाते हैं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। नेक्स्ट दिन कितना हो गया? 16 जुलाई। ठीक है, ये आपको समझ में आया बच्चों? 15 जुलाई के दिन क्या हुआ था? विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी और अनन्या क्या कर रही थी? अपना होमवर्क कर रही थी। इतने में आस्था आई और उसने क्या कहा? अपने टिफिन का ध्यान रखना, कोई बच्चा ऐसा आया है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर पकड़ने की कोशिश में लगे, लेकिन अनन्या को यह बात भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, कोई ऐसा भी होगा क्या जो खाना चुराता है? तभी आस्था ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाते हैं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। अब आया दूसरा दिन। दूसरे दिन पहले क्या था? 15 जुलाई। अभी दूसरे दिन क्या है? 16 जुलाई। 16 जुलाई के दिन क्या हुआ अब हम पढ़ेंगे। आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचौले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुरा कर खाती होगी। 16 जुलाई को क्या हुआ? कक्षा में शोर हुआ। कक्षा में लोग बातें कर रहे थे कि मैला कुचैला गंदे कपड़े पहनकर एक लड़की विद्यालय के बाहर घूमती है। सभी का कहना है कि यही लड़की सबका खाना चुरा कर खाती है। परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है। अगर स्कूल बंद है तो वो खाना चुरा कर कैसे खाती है? स्कूल के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है? मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह हर बार भाग जाती है। अनन्या को क्या लगा कि अगर ये लड़की खाने चुराने आती तो आती कैसे है, क्योंकि विद्यालय के गेट पे तो ताला लगा रहता है, बिना किसी के आज्ञा के कोई अंदर भी नहीं आ सकता है। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह हर बार भाग जाती है। अब उसके दूसरे दिन, पहला दिन क्या था? 15 जुलाई। दूसरा दिन क्या था? 16 जुलाई। अब क्या आया तीसरा दिन? 17 जुलाई। 17 जुलाई के दिन क्या हुआ? आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। क्या हुआ था 17 जुलाई को? अजीब सी एक घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपने अपने क्लास से निकलकर बाहर खेल रहे थे और कुछ मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा तारों के बने, तारों के जैसे घेरा बना था, वहाँ पे एक मैला कुचैला गंदे कपड़ों में एक लड़की बच्चों को ललचाई से भूख लालच की नज़र से देख रही थी। उसे देखते ही कुछ बच्चों ने हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी तोर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका।
वो जो मैले कुचैले कपड़े में लड़की थी उसे बच्चों ने देखकर पत्थर उठाया और उसे मारने के लिए भागने लगे। तभी अपनी ओर आता देखकर वह लड़की भी अपने बचाव में भागने लगी। तभी रोहन ने क्या किया, एक पत्थर उस लड़की को ओर फेंका, पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर क्या हुआ, लड़की के माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा। कौन सी लड़की थी ये, जो मैले कुचैले में जो वहाँ पर छुप कर देख रही थी, जिसे ललायक नजरों से सबका खाना खाते हुए देख रही थी। माथे से खून निकलने लगा, वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की क्या हुई, बेहोश। उसे सिर पे क्या लगा था, चोट लग गई थी। किससे, रोहन ने जो पत्थर चलाया उससे उसे सिर पे चोट लगी और सर से क्या हुआ, खून आने लगा। माथे से खून निकल, वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई कि और मन में विचार आया कि देखूं आखिर यह लड़की कौन है। अनन्या को क्या लगा, जब सब बच्चे चिल्लाने लगे वो लड़की के सिर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गई, और सारे बच्चे चिल्लाने लगे खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर। इतने में क्या हुआ, अनन्या के मन में आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए, उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। अनन्या जब वहां पहुंची तो क्या देख रही है, लड़की के सिर से खून तेज गति से बह रहा है। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया। अनन्या ने क्या किया, उस लड़की के सिर से जो खून आ रहा था उसके माथे पर अपना रुमाल निकाला और तेज से बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ, फिर भी खून तेज से बह रहा था। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। अनन्या ने क्या किया, जब रुमाल बांधा तब भी खून की गति कम नहीं हुई तो वह चिंता में पड़ गई और सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चल, परंतु यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है, भीड़ में से आवाज आई। परंतु बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने पकड़ा है। भीड़ में से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहाँ प्रधानाचार्य और कई अध्यापिका भी आ गई थी। क्या वह अनन्या ने कहा कि इसके सिर में चोट है, इसके जान को खतरे से हम अस्पताल ले जाएंगे। परंतु बच्चों ने क्या कहा, नहीं यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, भीड़ में से आवाज आई, लड़की चोर है या नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे। अनन्या ने कहा, वह चोर है या नहीं निर्णय बाद में होगा, और जोर से चिल्लाई परंतु अनन्या की बात किसी ने नहीं सुनी। तब तक वहाँ पर प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर और कई अध्यापिका टीचर्स भी आ गए। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुँचाया। वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया। अनन्या ने क्या किया, प्रिंसिपल और टीचर के हेयर मदद से उसे अस्पताल पहुँचाया। वहाँ पे डॉक्टर ने उसका उपचार किया, इलाज करना शुरू किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में एक सप्ताह लगेगा। डॉक्टर ने क्या कहा, मैंने इसे दवाई दे दी, इसे ठीक होने में एक हफ्ता लगेगा, परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने क्या कहा, यदि समय पर आप लोग इसे हॉस्पिटल नहीं लाए होते तो इसकी जान को भी खतरा था। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। अनन्या को खुशी हुई कि मैंने समय से इस बच्ची को अस्पताल बचाया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। अनन्या घर गई लेकिन बार बार वो घटना जो स्कूल में हो गई थी उसे बार बार याद आ रहा था। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा, मेरा मन उदास हो गया। स्वार्थ, सिर्फ स्वार्थ के लिए, और दिखावटी व्यवहार और निर्दयता जिसमें दया न हो, क्या यही हमारी शिक्षा है, मेरा मन उदास हो गया। यह सोचकर उसका मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। अनन्या ने दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। अब क्या आया, चौथा दिन, 18 जुलाई। 18 जुलाई को क्या हुआ, अब हम पढ़ते हैं। आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। 18 जुलाई को जब अनन्या अस्पताल में उस बच्ची से मिलने गई तो सुबह सुबह अस्पताल पहुंची और उन्होंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया और धीरे से हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी बड़ी बहन को दीदी बोलते, कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो। अनन्या ने उस बच्ची से पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर क्यों खड़े रहती हो। जी जी मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं,
मैंने कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता, आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहाँ अस्पताल की नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? 18 जुलाई के दिन क्या हुआ? जब अनन्या सुबह सुबह अस्पताल गई और उसने क्या किया? जिस बच्ची के सिर पे बच्चों ने रोहित ने पत्थर मारा था, खून आ रहा था, उसे अस्पताल में ले गए, उसकी जान बच गई। उससे उन्होंने अनन्या ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम क्या बताया? सोनी। धीरे से उसने अनन्या का हाथ पकड़ के बोला कि जीजी मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। यह सुनकर क्या हुआ? अनन्या को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अगले ही क्षण उसने पूछा, ए तुम चोर नहीं तो बाहर खड़े होकर क्या करती हो? तो उसने कहा, दीदी मेरे बापू मेरे पिताजी मुझे कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने के लिए भेजते हैं, मुझे कूड़ा बीनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ाई करते देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर खड़े होकर सबको देखती रहती हूँ। तभी वहाँ अस्पताल की नर्स आती और उसने क्या कहा कि इन्हें आराम करने दीजिए। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में अनन्या के मन में क्या हुआ? ये सवाल है, क्या सोनी को हमारी तरह पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार नहीं है? उसके पाँचवें दिन 19 जुलाई को क्या हुआ, अब हम पढ़ते। आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो तुम क्या पढ़ोगी? उन्नीस जुलाई को जब अनन्या अस्पताल गई तो उस क्या हुआ, उस दिन वह अस्पताल में जल्दी गई और सोनी से उसने क्या पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा तो तुम पढ़ोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई। इतना सुनने के बाद उसकी आंखों में एक तेज चमक और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। लेकिन थोड़ी देर में वह गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा, जीजी मेरे बाबू बहुत गरीब हैं, उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने मुझे मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगी। अनन्या 19 जुलाई को जब अस्पताल गई उसने सोनी से पूछा कि यदि तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा तो तुम पढ़ोगी? यह सुनने के बाद सोनी की आंखों में क्या हुआ, एक चमक, क्योंकि वो पढ़ाई से बहुत प्यार, वो भी चाहती थी मैं सबकी तरह पढ़ाई करूँ, अच्छा बनूँ, सबकी तरह मैं भी स्कूल जाऊँ, क्योंकि वो भी बच्ची पढ़ने की उम्र में थी। लेकिन घर की गरीबी के कारण उसे बोतल और ये कचरे कूड़ा करकट उठाने के लिए उसके बापू भेजते थे। वह सुन के वह उसकी आंखों में चमक आई कि मैं भी पढ़ाई करूँगी, और हंसी भी आई। लेकिन थोड़ी ही देर में वह गायब हो गई। इतने में अनन्या ने पूछा कि क्या हो गया? जीजी मेरे उन्होंने क्या कहा? सोनी ने कि मेरे बापू बहुत गरीब है, उनके पास तो किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसने मुझे मन से कहा। वह बहुत ही उदास होकर बोली। इतने में अनन्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मेरी माँ से बात करूँगी, और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो। अनन्या ने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए ये मिल जाए तो, आपको या दाखिला दिया जाए तो? पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थी। वे सोनी को देखने आई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते। धन का अभाव, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता की उनकी शिक्षा में बाधा बनती है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी ने की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। क्या हुआ उसी क्षण जब वो पूछ रही थी कि तुम चिंता मत करो, अनन्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मेरी माता जी से बात करूंगी। इतने में पीछे से आवाज़ आई कि यदि तुमको स्कूल में दाखिला मिल जाए तो। अनन्या और सोनी सोचने लगी कि आवाज़ कहाँ से। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो कौन थे, प्रिंसिपल महोदया थी। उन्होंने क्या कहा, सोनी को देखने आई थी हॉस्पिटल में, कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं स्कूल नहीं जा पाते। किसी क्या धन की कमी, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा, उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। अब 20 जुलाई को सोनी क्या हुआ, आज मैंने घर पर माँ से बात की। माँ ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं फूली नहीं समाई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही थी। 20 जुलाई के दिन
जब अनन्या ने अपनी माता जी से कहा कि सोनी के घर में पैसे का अभाव है, उनके माता पिता गरीब हैं, इसके वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो अनन्या की माता जी ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम देंगे। माँ की बात सुनकर अनन्या फूली नहीं समाई, खुशी के मारे फूली नहीं समाई। उसे लगा कि मैंने जितना भी मेहनत किया, प्रयास किया, वह आज सफल हो, बहुत खुशी हो गई कि मुझे मेरे प्रयास पर बहुत खुशी हुई। अब उसके बाद क्या आया, 28 जुलाई, 8 दिन के बाद, पहले हमने पढ़ा 20 जुलाई, फिर 28 जुलाई के दिन क्या हुआ, आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है, आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। 20 जुलाई के बाद, 8 दिन के बाद, 28 जुलाई को अनन्या ने कहा, आज मैं कई दिन के बाद डायरी लिख रही हूँ, डायरी में जो गुजरे हुए पल है उसके बारे में लिख रही हूँ, पर आज अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लगा क्योंकि मन में बहुत संतोष था, आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब हम पढ़ेंगे नए शब्द, कोशिश, प्रयत्न, ललचाई, लालच से, उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी, स्वार्थपरता, स्वार्थी, निर्दयता, कठोरता, मर्जी, इच्छा, कमाना, बुझे मन से, उदास होकर, परिस्थितिवश, परिस्थिति के कारण, उदासीनता, विरक्त तथा संतोष, तृप्ति, प्रसन्न, धैर्य। मुहावरे, होश उड़ना, डर जाना, फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना, आंखों में चमक आना, बहुत खुश होना। अभ्यास, श्रुत लेखन, यह हमें सुन के लिखना है, आस्था, मैले कुचैले, दृष्टि, उत्सुकता, रुमाल, प्रार्थना, अस्पताल, निर्णय, प्रधानाचार्य, सप्ताह, स्वार्थपरता, व्यवहार, निर्दयता, निश्चय, अचंभित, मर्जी, दाखिला, परिस्थितिवश। पाठ की बात, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक, बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको ग्रुप में दिया गया, उसे देखकर आप पूरा कीजिए। थैंक यू बच्चों।